हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ क्यूट इमोजी वाले प्लांटर बना के दिखाऊंगी जो आप इजीली घर पर बना सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह के खाली डब्बे हैं तो आप उनमें बहुत कुछ बना सकते हैं। सो सबसे पहले हम इस तरह से पेंट लगा लेंगे। ये है वाइट एनिमल पेंट। अगर आपके पास कोई दूसरा कलर है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आई जस्ट लव वाइट कलर, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। सो पहले आपको इस तरह से कोटिंग अच्छे से कर लेनी है, एक रात तक रखना है, उसके बाद सुबह आपको बना लेना है। सो ये कल शाम का वीडियो है, मैंने ऑलमोस्ट रात होने से पहले इसको इस तरह से पेंट कर लिया था। आप जब भी पेंट करें तो न्यूज़पेपर ज़रूर बिछाएं ताकि आपका जो मार्बल या फिर टाइल्स है वो ख़राब ना हो। सो इस चीज़ का ध्यान बहुत ही ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि ये जो पेंट है ये अच्छे से नहीं निकलता, इनको थोड़ा मुश्किल होता है निकालने में, इसीलिए। सो ये जो बेस का पेंट है वो आप अच्छे से कर लें ताकि आपका जो पेंटिंग हो वो बहुत सुंदर लगे लास्ट में, और फिनिशिंग में ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि आप जब भी प्लांटर बनाने की कोशिश करें बकेट से तो उनमें ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं। इसमें मैंने ऑलरेडी ड्रेनेज होल बना लिया। ड्रेनेज होल बनाना इसीलिए ज़रूरी है गाइस ताकि पानी इनमें जमा ना हो। अगर प्लांटर में पानी जमा हो गया तो आपका जो पौधा है उसका बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, उनको बहुत ज़्यादा डैमेज फेस करना पड़ेगा। इसीलिए आप अपने प्लांटर में ड्रेनेज होल ज़रूर बनाएं। सो ऊपरी हिस्से में भी इस तरह से कलर कर लेना है या फिर आप इसको काट के निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि काट के क्यों फेंकूं, इसीलिए मैं इनमें पेंट कर रही हूँ। ये जो पकड़ने वाला हिस्सा है इसे मैं पेंट नहीं करूँगी, इसे बस ऐसे ही छोड़ दूँगी क्योंकि ये वैसे भी दिखने नहीं वाला है। सो फाइनली दिस इज़ अबाउट टू कम्प्लीट। सो ख़त्म होने ही वाला है गाइज, कोने कोने पे भी अच्छे से कलर करना है। ये देखिए ये कम्प्लीट हो गया। इसके बाद आपको रात भर सूखने के लिए छोड़ देना है। सो सुबह हो गई और सुबह होने के बाद मैंने इस तरह से इसमें अपनी थोड़ी बहुत चित्रकारी कर दी। सो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये मार्कर पेन और मैं हल्का सा कर रही हूँ, ज़्यादा आपको ज़ोर ज़ोर से नहीं करना है। सबसे पहले मैंने बनाई है इनकी आंखें, उसके बाद मैं बनाऊंगी इसकी जीभ और मुंह। सो ये एक आंख मारता हुआ इमोजी है गाइस, एक आंख बंद और एक आंख खुला और जीभ निकालता हुआ। पेंटिंग करने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगने वाला है, आप लोग देखते रहिए वीडियो को इत्मीनान से। सो स्किप ना करें गाइज, मैं जितना हो सके वीडियो को शॉर्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। मैंने ये वीडियो पूरा फास्ट फॉरवर्ड किया है ताकि ये लंबा ना हो जाए और आप लोगों को भी देखने में बोर ना लगे। सबसे पहले मैं ब्लैक एक्राइलिक कलर ले रही हूँ एंड आई एम गोइंग टू ड्रॉ आइज, आँखें बना रही हूँ। सो एक आँख बंद है इसीलिए इस तरह से आपने बना लेना है। सो पेंटिंग बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है, बस आपने प्रैक्टिस करते रहना है और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बना लेती हूँ गाइस, इतना भी कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसमें प्रो हो जाएंगे। एक कहावत है ना, और कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सो वही है, आप कुछ भी करते हो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, चाहे वो डांस हो, एक्सरसाइज हो या फिर पेंटिंग हो, एक कंटिन्यूस जो होता है प्रैक्टिस वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो एक आँख कंप्लीट है, ये खुली वाली आँख इस तरह से बना लेना है, धीरे धीरे करके बनाएं। गाइस आपको देख के लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट बना रही हूँ, लेकिन मैंने बस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है क्योंकि वाइट पेंट है गाइस, अगर कलर इधर से उधर हो गया तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए एकदम अच्छे से बनाना है, मतलब कि धीरे धीरे, मिस्टेक नहीं चलेगा।
ये देखिए आईज बनके रेडी हो चुका है। सो थोड़ी बहुत मतलब कि इधर उधर इसको करेक्ट कर रही हूँ मैं। अभी देखिए कितना क्यूट लगना स्टार्ट हो गया है। अभी हम इसका मुंह बनाएंगे। सो मुंह बनाने के बाद एंड में इसके जीभ को लाल रंग में रंग देंगे। सो ये इमोजी वाला प्लांटर जो है इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी था, इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले ये बना लूँ। मेरे पास सिर्फ 3 डिब्बे थे गाइस, इसीलिए मैंने बस 3 इमोजी बनाए हैं। अगर मेरे पास बहुत सारे डिब्बे होते तो बहुत सारे बनाती, लेकिन कोई बात नहीं, जितने हैं उतने से ही काम चलाना पड़ेगा। सो कबाड़ से जुगाड़ किस तरह से करते हैं वो आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं गाइस। जो भी चीज़ें हम वेस्ट सोचते हैं लेकिन उससे हम बहुत कुछ बना सकते हैं, जिससे हमारी जो वेस्ट करने की आदत है वो भी कम हो जाएगी और हम रिसाइकल कैसे करते हैं वो भी सीख जाएंगे। जिससे अगर एक तरफ से बोलूँ तो हमारे जो पर्यावरण है उसकी तरफ भी एक अच्छा कदम हो जाएगा। देखिए मुंह भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके जीभ को रंगाएंगे, वो भी लाल रंग में। सो रेड कलर की जीभ बनाएंगे इसकी, काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगने वाला है ये प्लांटर। सो गाइज ये प्लांटर कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा क्यूट। एंड ये देखिए ये है मेरे 3 प्लांटर्स। सो मेरे पास 3 ही बकेट्स थे इसलिए मैंने 3 प्लांटर्स बनाए हैं। मेरे पास और भी होते तो बहुत सारे इमोजी देखने को मिल जाते आप सभी लोगों को। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ।